तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नंद नगरी इलाके की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की है। रात का वक्त है और मोबाइल फोन की इस दुकान में खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी है। अंधेरे में अचानक एक साया सा उभरता है। पहली नजर में उसे देखकर किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कौन है और चाहता क्या है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही लोगों की नजर उसके हाथ में मौजूद पिस्टल पर पड़ती है, दुकान में भगदड़ सी मच जाती है और लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। मगर वो साया नहीं रुकता, बल्कि चंद कदम आगे बढ़कर बिल्कुल दुकान के करीब आता है और सीधे फायरिंग कर देता है। गोली दुकान के काउंटर पर लगी शीशे के शोकेस में लगती है और वो चकनाचूर होकर गिर जाता है। और आखिर चंद मिनट की इस फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो जाता है। अब आइए आपको दिल्ली में हुई इस फायरिंग की बिहाइंड स्टोरी यानी पीछे की कहानी सुनाते हैं। और ये कहानी है इस दुकान पर यह हमला 50 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए कुछ गुंडों ने किया। वो गुंडे जो खुद को गैंगस्टर अनिल दुजाना के साथी बताते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद दिल्ली का गुंडा राज, 50 लाख रुपए के लिए दुकान पर फायरिंग, दुकानदार से फोन कर मांगी थी रंगदारी, पुलिस के सुरक्षा संबंधी दावों की खुली पोल। दावा है कि इस दुकान के मालिक बंटी के पास एक फोन आया और ये कहा गया कि वो अनिल दुजाना के साथ ही बोल रहे हैं, उसे 50 लाख रुपए की रंगदारी चाहिए वरना गोली मार देंगे। दुकानदार इस धमकी भरे टेलीफोन कॉल की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंचा और इधर दुकान पर बाइक से आए दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में मौजूद हूँ। दरअसल यहाँ पर जिस दुकान में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक वाकया हुआ। कुछ बदमाश आए, उन्होंने यहाँ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और ये पूरा वाकया जो है सीसीटीवी में कैद हुआ है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बंटी का कहना है कि आज तक उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये फोन उनके पास एकदम आया था। बदमाश ये कह रहा था कि वो अनिल दुजाना का साथी बोल रहा है और अगर 50 लाख नहीं दिए तो गोली मार देगा। ये कल 8:50 में पहले मेरे को फोन आया था। अच्छा, सुबह नहीं, शाम को। अच्छा। हाँ, उसके बाद में मेरी दुकान में सीधा थाने पहुंच गया, मेरे फोन आया। क्या फोन आया? मेरे फोन आया 50 लाख रुपए चाहिए नहीं तो गोली मार देंगे तेरे को। तो उसके बाद में भाई कौन शख्स था जिसने किया फोन? सर नाम तो पता नहीं, उसका किसी का नाम लेके फोन कर रहा था। वो किसका नाम लेके? अनिल दुहेजा पता नहीं कोई। अच्छा। होगा उसका नाम लेके कर रहा था फोन। ठीक है जी। तो फिर आपने क्या कहा? सर मैंने कहा भैया मेरे पे तो पैसे है ही नहीं, मेरा क्या मतलब। मैंने मतलब छोड़ दिया। फिर मैंने थाने फोन करा, मैं थाने पहुंच गया सीधा। थाने पहुंचा तेरे मेरे यहां दुकान से फोन आ गया, भैया दुकान पे गोलियां चल गई। सीसीटीवी की इन तस्वीरों से साफ पता लग रहा है कि किस तरह बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई है और दुकान के बाकी कर्मियों ने कैसे अपनी जान बचाई। फिलहाल एहतियातन यहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है, लेकिन परिवार डरा सहमा है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि सख्त कार्रवाई हो और तुरंत गुनहगार पकड़े जाएं।